कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, होंगे मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। अभी ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग हो रही है। नहीं, अब आप बताइए। ट्रेनिंग में है, ठीक है, शुरू करते। और अच्छी बात है भाई, आप भी लोगों का वेलकम करना सीखेंगे तो अच्छी बात है। मैं भी कुछ सीखूंगी। लोगों जो भी मुझसे का गलती होगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या गलती हो रही है। अभी मैं सीख रही हूँ, धीमे धीमे सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ रही हूँ। तो दोस्तों, तो मैं क्या कोई ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ? हम तो बस बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल बात करते हैं दर्शकों से। नहीं, बस फिर भी भाई बातें तो करनी है। कोई शब्द ऐसा निकल जाता है। अब गाली क्या कैसा गाली करो। नहीं, गाली नहीं, तो कौन से शब्द दोस्तों, होते हैं? आज आपके सामने एक ट्रिक है। अभी जिन्होंने मेरा कोर्स बाय कर रखा, उन्हीं में से एक शख्स ने कहा था कि निजाम जी हैं, और उन्होंने कहा था कि इसका एक बताइए सीक्रेट की क्या है। उनको समझ में नहीं आया, हालांकि मैंने पहले भी इसका सीक्रेट डाल रखा है। अब गेम क्या है? गेम है टिक टैक टॉय। एक गेम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसा क्रॉस वाला गेम होता है। एक क्रॉस बनाता है कोई, इसमें वो जीरो बनाता है या ओ बनाता है, और इसको हमें खेलना होता है। अब आपने देखा होगा कि जो मेंटलिस्ट होते हैं, जादूगर क्या करते हैं, स्टेज पे आते हैं, उनके पास एक ऐसा बोर्ड रखा होता है, और उनके पास ऐसे पजल के रूप में, स्क्वायर के रूप में क्रॉस या एक्स बोल सकते हैं, या फिर जीरो या ओ बोल सकते हैं, ऐसे रहते हैं। तो जो भी उसके स्पेक्टेटर की चॉइस होती है, जहां भी लगाने को वो वहां लगाता है, और अपना भी प्रिडिक्शन उसमें करता रहता है, सॉरी अपना भी जो क्रॉस है वो लगाता रहता है। गेम ड्रॉ हो जाता है, कोई नहीं जीतता है, लेकिन जब वो उसको पलटता है तो पीछे इमेज तैयार हो जाती है, वो परफेक्ट इमेज होती है। तो ये कैसे होता है, देखिए इसके पीछे क्या सीक्रेट है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इस गेम को हम खेलते कैसे हैं। तो मैं इसका सीक्रेट तो आपको देने ही वाला हूं, तो चलिए पहले हम रैंडम आप किसी से भी इस गेम को खेलने को बोलिए, और मैंने आपको दिखा दूं कि सबसे पहले प्रेडिक्शन ही कर दिया है। अब मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, ये लगातार आपके आपको सामने रहने वाला है, ठीक ये रखा देखिए। इसमें तो मैं ही जीतूंगी। जीत तो सकते ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी जो मैंने जैसा ग्राफ पूरा तैयार किया है, सेम वही रिजल्ट आने वाला है इसमें। तो आप कुछ भी कर लें, आप कहीं भी अपनी मर्जी से मतलब वो बना सकते हैं, जी, लेकिन सेम जो पैटर्न तैयार होगा वो यही होगा जो जो आपने मैंने बनाया बनाया है। है, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं, मैं दस वो दिखाता रहता हूं। सबसे पहले मैंने ये बनाया, अब आप बनाइए, कहीं भी बना सकती हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने ये बनाया है, ठीक है, फ्री जी चॉइस है, कहीं भी बना सकती हो, जी ठीक है। और मैंने इनको ये दिखाया नहीं बनाने से पहले कि बिल्कुल सच है दोस्तों, जब आप सीखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम मिलके नहीं कर रहे हैं, ये जो कुछ हो रहा है रैंडम हो रहा है। तो आपने ये बनाया, तो मैं इसको बनाता हूं, ये बना लेता हूं, चलिए मैं दिखा देता हूं फिर इसको, ठीक है। अब आप बनाइए, चाहो तो कहीं और भी बना सकती हूँ, पैटर्न निकल जाएगा। ये बनाया आपने, तो चलिए मैं इसको यहां बनाता हूं, देखिए, ठीक है। चौसा आप यहां भी बना सकते थे, लेकिन आपने ये बनाया, ठीक है, इन्होंने ये बनाया, आप यहां भी बना सकते थे, यहां भी बना सकते हैं, फिर भी मेरा नहीं बनता, ठीक, आपकी चॉइस है, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आपने कहा बनाया, ये बनाया, तो आपने अगर ये बनाया है तो मैं इसको यहां बना देता हूं, ये तो आपको बन जाएगा। ये देखिए मेरी मजबूरी थी कि मैंने पीछे बनाया, ठीक है। अब आप दो खाने में से कहीं भी बना सकते हैं, देखिए अब आप कहीं अगर मैं भी यहाँ पे बनाती हूँ तो आपका नहीं बनेगा, यहाँ पे बनाऊंगी तो आपका बन जाएगा। तो आपकी मर्जी है, तो मेरे यही पे बनाना तो बना लीजिए, तो मेरी मजबूरी है, मुझे यही पे बनाना बना। पड़ेगा। अब देखिए बन गया, पहले मैं दर्शकों को दिखा दूं, गेम ड्रॉ हो गया, कोई नहीं जीता, ठीक है। अब बेटा मेरा जादू देखो,
ये देखो इधर क्या ऐसा हो सकता है, क्या एक बंदी क्या होता है? नहीं हो सकता, कैसे हो जाएगा? मैं दर्शन दिखाता हूँ पहले कि दर्शन पाएंगे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहले ये दोनों दिख रहे होंगे, मुझे भी तो दिखाओ। एक्स को एक्स, एक्स को एक्स, एक्स एक्स को एक्स, एक्स को ओ एक्स को ओ एक्स को। अब चाहे इसको ऐसे ले लोगे, देखिए हर एंगल से वही आएगा, चाहे ऐसे देखिए तब भी वही आएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमेशा एक सही आता हुआ, तो आप दोबारा खेल के देख सकते हो। चलो एक बार देखते हैं, देख लो अब जो तसल्ली के लिए। ठीक है, मैं अगर इस पैटर्न को ऐसे रह लेता हूँ, अगर आपको लगता है कि ऐसा ही आता होगा हमेशा, ये भी भ्रम दूर कर दूं, तो चलिए अभी दूर खा लिए। अरे खत्म हो गया क्या? चलो अभी तू चलिए। ठीक है तो अब लीजिए, चलिए आपका ओ एक्स भी कर सकते हो। चलो मैं एक्स ही कर दे रहा हूँ, तो मैं एक्स कर दे रही हूँ। नहीं मैं एक्स ही कर दे रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि एक्स पहले एक्स के इस बार वो क्यों करें। लीजिए मैं एक्स कर दे रहा हूँ इस बार। ठीक है तो कीजिए जहां मर्जी लिखिए, फिर भी फिर चॉइस दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है बेटा, फंस गई फंस गई जान। यानी कि पैटर्न चेंज होगा। ठीक है अब ये गेम लंबा हो जाएगा, ये लो मेरा बन गया। ठीक है अब देखिए इस बार ये रिजल्ट आया, और मान लीजिए अगर गेम ड्रॉ नहीं होता, मैं सॉरी गेम मैं नहीं जीतता, ड्रॉ जाता, तब भी ऐसा पैटर्न नहीं आएगा जो मैंने बनाया। आप ट्राई कर लेना, जरूरी कि मान लीजिए आप कोई भी नहीं जीतता तब भी ये पैटर्न नहीं आएगा जो मैंने दिया है जी। और आप क्योंकि जादूगर है, दर्शक भी हमारे जादूगर है, तो ये समझ रहे हैं कि यानी कि हम हमेशा एक चाल ऊपर चलते हैं, तो ये चाल कैसे चलते हैं दोस्तों? और ये पीछे अब देखिए, जब आपको पैटर्न पता है कि यही आएगा, तो आप क्या करते हैं, जो भी ब्लॉग लगाते हैं उसके पीछे आप कोई भी इमेज बना सकते हैं। मान लीजिए आपने ये एक्स का एक टुकड़ा लिया, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, और आपने सेम वो इमेज बना ली, जैसे एक पजल वाला गेम आता है जिसमें हम सब पजल अगर राइट लगाते हैं तो एक इमेज बन जाती है, तो वैसे ही आपको करना। अगर स्टेज पे दिखाना है तो आप ऐसे पजल तैयार कीजिए जिसमें आप पीछे कोई भी नाम लिख सकते हैं या कोई इमेज बना सकते हैं, फिर आप का रिजल्ट यही आने वाला है, आपको पता है कि यही आएगा चाहे दर्शक कैसे भी खेले। तो ये होता कैसे है, आइए इसका सीक्रेट हम जानते हैं। तो दोस्तों सीक्रेट जानने से पहले, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक लाता रहूंगा, और आप इसे स्टेज पे या कहीं भी दिखाएंगे दोस्तों कोई जान नहीं सकता। तो इस मैजिक को करने के लिए आपको सिंपल से तीन रूल फॉलो करने होते हैं। देखिए मैं इसको आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप देखिए आपको प्रिडिक्शन कैसे करना है। देखिए कैमरे में साफ साफ दिख रहा होगा, तो मैं इसका ट्यूटोरियल आपको देता हूं। सबसे पहले तो आपको ये गेम है, सबसे पहले आपको इस गेम को करना है, यानी कि आपको बीच में क्रॉस बनाना है, अब गेम स्टार्ट होता है। स्टेज में क्या होता है, कभी आपने स्टेज में ये अगर इस जादू को देखा होगा, तो जैसे कि सुहानी शाह हो गई, कृति पारेक हो गई, इस जादू को करते हैं, तो वो भीड़ में बैठी जनता को इस गेम को खेलने को कहते हैं, लेकिन एक बंदा उनका अपना रहता है, वो हमेशा आप कभी भी इस मैजिक को देखेंगे तो उसमें सबसे पहला जो क्रॉस बीच में ही होता है। अगर बीच में ये क्रॉस हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये एक जो बंदा है उन्हीं का है, और ये गेम तभी हो पाता है। अब मान लीजिए सबसे पहले मैंने इसमें क्रॉस कर दिया, अब चाहे दूसरी पार्टी कहीं भी अपना मतलब गेम को खेले, यानी कि यहां भी वो बना सकती है, यहां भी वो कहीं भी बना सकती है। तो मान लीजिए अगर उसने इन इन पॉइंटों पे अगर वो ओ बनाती है, सॉरी सॉरी ये और ये इन पॉइंटों पे अगर वो
इसको छोड़ दीजिए अभी, इसको बात नहीं कर रहा हूं मैं, सॉरी इसकी कॉर्नर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं मिडिल वाले पॉइंटों पे। अगर वो मिडिल वाले पॉइंटों पे वो बनाती है, जैसे मान लीजिए उसने यहां बना दिया, तो आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज अपना क्रॉस बनाना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी सीधे घूमती है तो आपको उल्टी दिशा में जो पहला खाना पड़ेगा वहां रख देना है। जैसे उसने यहां बनाया तो आपको आगे ना जाके रिवर्स आना है और जो पहला खाना खाली हो वहां बनाना है। जैसे कि मान लीजिए इसने यहां बनाया तो पहला खाना यहां खाली हो रहा, तो मैंने इसको यहां बना दिया। अब सेकंड मान लीजिए वो सीधी सी बात है, वो यहां बनाएगा यहां कोने पे। अगर वो कोने पे बनाता है, कोने का मतलब है किसी भी कोने पे, कोई भी कॉर्नर पे अगर वो बनाता है, अगर वो बीच में बनाता है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जो पहला खाना खाली है वहां पे अपना क्रॉस बना देना है। और अगर वो कॉर्नर पे किसी भी कॉर्नर पे बनाता है तो आपको क्लॉकवाइज जो पहला खाना खाली है वहां बना देना है। मान लीजिए उसने अगर यहां बनाया है तो आप क्लॉकवाइज यहां बना देंगे। अब वो कहीं भी बना सकता है, मान लीजिए उसने फिर से उसने कोशिश की यहां बनाने की, तो आप क्या करेंगे? अब अगर उसने यहां बनाने की कोशिश की तो सीधी बात है ये कॉर्नर पे बनाया तो आप क्लॉकवाइज यानी कि सीधे हाथ की तरफ चलेंगे और ये खाना खाली तो आप यहां बना देंगे। समझ में आ गई बात? अब दो खाने खाली बचते हैं, अब उसकी चाल है वो इसमें या इसमें बनाएगा। अगर वो इसमें बनाता है तो आप इसमें बनाएंगे, अगर वो इसमें बनाता है तो आप इसमें बनाएंगे, तो जाहिर सी बात वो इसी में बनाएगा क्योंकि वो आपका बनने नहीं देगा। तो वो अगर यहां बनाता है तो फिर आपके पास ही खाना खाली बचता है और ये बनाएंगे। अब आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा क्योंकि अगर इस रूल से चलेंगे तो हमेशा एक ही आंसर आएगा। अब देख लीजिए इसमें किस तरह से हो रहा है। देखिए अभी आपको चेंज लग रहा होगा ये पैटर्न, लेकिन देखिए आप इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे तो अब ये दोनों पैटर्न सेम हो गए। देखिए तो इस तरह से आप पहले से इसको लिख के रख लीजिए और इस तरह गेम खेलेंगे तो हमेशा रिजल्ट यही आना है। तो दोस्तों आशा है मैजिक आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर मैजिक पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक का बटन जरूर दबा दें दोस्तों, और हो सके तो दोस्तों में शेयर करें। मुझे पता है आप शेयर नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप ये ट्रिक को शेयर करेंगे तो ये दोस्तों तक भी पहुंच जाएगी, तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो कोई बात नहीं, शेयर मत कीजिए, लेकिन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबाकर और एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।